नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, खबर जंक्शन तक में शाम की वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रेंड, सहायक अध्यापक के जो पदों की संख्या है उन 45,000 पदों पर जो चर्चा हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ 2021 के परिणाम की भी बात करेंगे और आंगनबाड़ी में 50,000 पदों पर भर्ती कब तक आ रही है इसकी भी अपडेट जो है उससे आपको रूबरू कराएंगे फ्रेंड। तो चैनल पर बने रहें, अगर अभी तक आपने एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स मिल जाए। बात करते हैं फ्रेंड जो सहायक अध्यापक 45,000 पदों पर भर्ती को लेकर के, इसमें जो है विद्यार्थियों की तरफ से एक ट्विटर अभियान भी चलाया गया, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि आपको पता है कि 2018 के बाद कोई भी ऐसी भर्ती प्राथमिक में नहीं आई जिससे विद्यार्थियों को फायदा हो सके, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हो या टेट के सॉरी बीटीसी के अभ्यर्थी हों। टेट के परिणाम को लेकर के है, टेट के नोटिफिकेशंस को लेकर के, सुपर टेट है, तमाम तरह की खबरें जो है पीएनपी की तरफ से उसकी अपडेट आपको दी गई है। यहाँ पे जो भारत समाचार की न्यूज है फ्रेंड, यहाँ पे प्रयागराज 4 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे छात्रों ने रविवार के बाद बुधवार को एक बार फिर ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रदेश के तकरीबन हर जिले से टेट सीटेट पास प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के जो है सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ट्वीट किया। तो ये फ्रेंड अपडेट अब सरकार इस पे क्या करती है देखने को, आगे जो भी हुआ वो अपडेट आपको दे दी जाएगी फ्रेंड। आगे की खबरों में बताएं तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2024 चुनाव से पहले यूपी में नौकरियों की भरपार, जिसमें सहायक अध्यापक के 45,000 पद रिक्त हैं। तो इसके बारे में हमने आपको वीडियो बना के बताया कि फ्रेंड कितने पदों की भर्ती आएगी और कब तक आएगी, तो वही आप सही न्यूज मान के जो अपनी तैयारी करिए। बाकी की जो जानकारियां मिलती रहती है उससे आपको अपडेट रूबरू कराना जो है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी चैनल के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन फैक्ट टू फैक्ट जो आपसे चर्चा की गई है भर्ती को लेकर के वही भर्तियां तब तक आएंगी। 2024 चुनाव से पहले यूपी में नौकरियों की भरमार, ज्यादातर विभागों में रिक्त पद है, मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर भरे जाएंगे रिक्त पद, तमाम तरह की ये चीजें हैं फ्रेंड। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में स्कूलों में जो भरे जाएंगे सहायक अध्यापक के 45,000 रिक्त पद है, ये चीजें आपको चुनाव तक देखने को बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन कुछ महज जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसके बारे में आपको चैनल के माध्यम से बता दिया गया, उसी के आधार पर अपनी तैयारी करते रहे। ये फ्रेंड उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने के अंतर जो है इस योजना के अंतर्गत जो है फ्रेंड क्या हुआ कि सहायक कार्यकर्त्री पदों पर 50,000 से अधिक पदों की भर्ती, मात्र इसमें फ्रेंड एक्चुअली 1.5 लाख समथिंग पद खाली हैं। तो इसमें पुष्टाहार विभाग की तरफ से जल्दी पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जारी होगा और सहायिकाओं के लिए। इसमें जो है पदों की संख्या जो है फ्रेंड 50,000 होगी, जिसमें से 30,000 पहले भरे जाएंगे, 20,000 बाद में भरे जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन जो है आपको एटलीस्ट बताएं तो फ्रेंड 20 नवंबर तक जो है देखने को मिल जाएगा आंगनबाड़ी भर्ती। तो जो भी आपके करीब हो जिसके भी आप वो इस चीज को बताएं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी के लिए जो है अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो नजदीक का क्षेत्र होगा वहां पे वेतन में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, समीक्षा अधिकारी परिणाम को लेकर के जो विद्यार्थी क्वेरीज करें उनके बारे में ये बता दें फ्रेंड कि परिणाम जो आपका वो एटलीस्ट आपको मैक्सिमम यदि बताएं तो 15 नवंबर क्रास नहीं होगा, ये परिणाम आपको एटलीस्ट 10 या 12 तारीख को देखने को मिल जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी रिजल्ट 2021 का इंतजार जल्दी समाप्त होने वाला है, उसके बाद की जो अपडेट होगी वो LTE BO और उत्तर प्रदेश की तरफ लोक सेवा की तरफ से RO का नोटिफिकेशन, PCS का नोटिफिकेशन, PCS में जो चेंजअप की चर्चा हो रही है फ्रेंड की सब्जेक्ट हटाने की, इसके बारे में जो अपडेट है अभी तक जो है कोई ऐसी अपडेट है नहीं, उस अपडेट के बारे में आपको जो जानकारी दे दी जाएगी। बाकी तमाम तरह के लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, सबको रखने का जो है स्वतंत्र है, रख सकते हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी होती इसके लिए आप अपने आप को कोई वो नहीं, बहुत बड़ी चीज उसमें बदलाव ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट हट जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होंगे, फिर भी परिणाम जारी होंगे, फिर पहले दूसरे तीसरे दसवें रैंक के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुल मिला के तैयारी ही करना जरूरी है, उस पर लगे रहिए, बाकी की अपडेट जो भी अथेंटिक होगी वो आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी फ्रेंड। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक अपडेट के साथ जो विद्यार्थी जगत के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर वॉइस में थोड़ा बहुत फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस होगा तो एडजस्ट करिएगा, क्योंकि साउंड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको लग रहा है क्रिएट हो रही है, इसको जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं।